आज हम लोग बताएंगे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का टॉप स्पीड को लेकर बताएंगे। तो टॉप स्पीड तुम लोगों को मैं जेन्युइन दिखाऊंगा एंड साथ में बताएंगे ये बाइक के अंदर कितना टॉप स्पीड देख सकते हो मैं अभी हम लोग बताएंगे एंड साथ में बताएंगे ये बाइक के अंदर क्या प्राइस, टॉप स्पीड, माइलेज, लॉन्च डेट सारे कुछ कवर करने के सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे बाइक का ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर, यहाँ पे कंपनी क्या कुछ कंपनी का ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया। सबसे पहले गाइस बताएंगे बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, यहाँ पे कंपनी यूज किया बाई ब्रेक का ब्रेकिंग सिस्टम एंड सामने का डिस्क मतलब फ्रंट है 320 mm एंड ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया ड्यूअल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर चिंता मत करो, बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे कंपनी यूज किया। रियर गाइस यहाँ पे 250 mm डिस्क साइज देख सकते हो एंड ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया ड्यूअल चैनल ABS मतलब ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर कोई भी चिंता मत करो, बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया। बाइक का सस्पेंशन को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सामने एंड रियर पे बहुत ही बड़ा एक गाइस मोनोशॉक यूज किया। मोनोशॉक का जो क्वालिटी है ना बहुत ही बढ़िया लगा, तो आप लोग ऐसे लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का मीटर कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे कंपनी यूज किया डिजिटल LCD TFT कलरफुल मीटर। मतलब मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो एंड बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैम्प एंड साइड इंडिकेटर भी तुम लोग LED देख सकते हो एंड पीछे का टेल लाइट भी LED देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो बाइक का जो सारे जो लुकिंग है ना बहुत बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का एग्जॉस्ट का क्वालिटी को लेके, बहुत ही छोटा एग्जॉस्ट दे दिया बट एग्जॉस्ट का जो क्वालिटी ना एंड लुकिंग गाइस बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे कंपनी यूज किया 450 cc लिक्विड कूल एंड 4 वाल्व का इंजन देख सकते हो एंड ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 39 bhp अप्रोक्स, यहाँ पे 40 bhp कंपनी यूज किया एंड साथ में यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच के साथ देख सकते हो एंड यहाँ पे कंपनी दे दिया सिंगल गियर के साथ देख सकते हो। मतलब बाइक का जो गियर का जो शिफ्टिंग है ना बहुत ही मक्खन की तरह यहाँ पे काम करेगा। ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना वो भी तुम लोग गाइस देख लो, बहुत ही बढ़िया लुकिंग है। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टायर को लेके, सामने का टायर मतलब फ्रंट है 120x70x17 देखने मिलेगा एंड रियर टायर 160x55x17 देखने मिलेगा। मतलब बाइक का जो ओवरऑल लुकिंग है ना बहुत ही बढ़िया लुकिंग एंड बाइक का जो टायर साइज भी, टायर का लुकिंग भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टॉप स्पीड को लेके। सो गाइस जितना सर इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर जितना सारे बाइक है 39 bhp अप्रोक्स साइज यहाँ पे 160x70 किलोमीटर तक टॉप स्पीड हो सकता है, आगे तो नहीं जाएगा मेरे को लग रहा है, 170 का ऊपर नहीं जा सकता है ठीक है, उसका नीचे भी नहीं होगा, 160x170 किलोमीटर तक टॉप स्पीड हो सकता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। सो गाइस ये जो बाइक का लुकिंग आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का सीट का क्वालिटी को लेके, आप लोग देख सकते हो सीट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लुकिंग के साथ देख सकते हो। बाइक के एक बार कलर को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया येलो कलर, सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर के साथ, उसके बाद ब्रेवा ब्लू कलर, इसका भी लुकिंग गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। उसके बाद यार गाइस ब्लैक कलर डार्क कलर के साथ यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी गाइस बहुत ही बढ़िया, मतलब जितने सारे कलर है सब कुछ बढ़िया कलर लग रहा है। इसके बाद गाइस बताएंगे गोल्ड डीप, तो गोल्ड डीप का जो कलर है ना ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को ऐसा लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। उसके बाद गाइस स्मोक कलर, ठीक है, तो स्मोक कलर भी तुम लोग को अच्छा ही लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है ठीक है, मेरे को तो और बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप लोगों को कैसे लगा है वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। सबसे जो नीचे जो कलर है ना ब्लैक कलर, ठीक है, तो ब्लैक कलर ये भी तुम लोग को बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, तो आप लोग को कैसे लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। सो गाइस अभी हम लोग बताएंगे ये बाइक का लुकिंग को लेके, सबसे पहले बताएंगे बाइक के अंदर कंपनी दे दिया सिंगल हॉर्न के साथ दे दिया और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया लिक्विड कूल का इंजन और लिक्विड कूल का इंजन कितना पावरफुल होता है वो तो सारे लोग जानते हैं। और मिरर को लेके बताएंगे तो ये बाइक के अंदर क्या कुछ कंपनी मिरर यूज किया, तो गाइस मिरर भी गाइस खास मिरर है, बहुत ही बढ़िया मिरर है और मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, तो आप लोग ऐसा लग रहा है वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। ओवरऑल जो बाइक का जो सारे जो रिव्यू है ना गाइस मैंने तो दे दिया और ये पे बताने के लिए कुछ भी नहीं है एंड सारे कुछ तो आप लोग भाई देख ही लिया, तो आप कमेंट करके बता देना ये बाइक आप लोगों को कैसे लग रहा है, मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले एक बार बताएंगे बाइक का प्राइस को लेके, ये जो बाइक का प्राइस है ना 295,000 प्राइस इन इंडिया। सबसे पहले बताएंगे ये जो गाइस कलर को लेके, ठीक है, ये जो कलर को लेके बताएंगे तो 95,000 के अंदर देख सकते हो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। और सारे जो बाइक है अलग अलग प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, जैसे गाइस ये बाइक का हेडलाइट ग्रिल एंड सारे कुछ अगर जोड़ सके तो आपका गाइस प्राइस भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले जो बात है ना कि गाइस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक ऑयल फिल्टर कैप, ऑयल फिल्टर कैप गाइस कहाँ लाएगा, ठीक है, सबसे पहले ये देखो गाइस ऑयल फिल्टर कैप गाइस यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, अगर आप लोगों को नीड है तो इसको भी आप लगा सकते हो ऑयल फिल्टर कैप, ओके। तो इसके अंदर भाई गोल्ड डिप के अंदर भी है एंड साथ में और भी तुम लोग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, कलर के अंदर भी तुम लोग चेंजेस ला सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाहते हो। अभी हम लोग बताएंगे इसका ऑनरोड प्राइस को लेकर, दिल्ली मार्केट का जो इसका ऑनरोड प्राइस है ना, गोल्ड डिप का जो प्राइस है ना यहाँ पे गाइस सारे प्राइस है मेंशन है, आप लोग एक बार देख सकते हो, इसको EMI के अंदर भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।